हाय गाइस, तो मैं आ गया हूँ। तो आज मैं दिखाने वाला हूँ आपको मेरा पीसी कैसा है और मेरे पास क्या क्या है इस पैक में, यानी हेडफोन वगैरह क्या क्या यूज़ करता हूँ मैं। तो चलो टर्न कर लेते हैं कैमरे को। तो सबसे पहले स्क्रीन गाइस, तो ये छोटी सी स्क्रीन है जो कि 17 इंच की स्क्रीन है, ज़्यादा बड़ी स्क्रीन नहीं है मेरे पास। और इसका बगल का जो पोर्शन है वो पूरा खाली है। और ये टेबल है गाइस, तो बहुत जैसे बाकी गेमर्स के पास है, यूट्यूबर्स के पास है, वो टेबल नहीं है मेरे पास। ये कोई प्रकार से स्पीकर है और एक हेडफोन है गाइस, तो ये बेसिक हेडफोन मैं यूज़ करता हूँ, जिसकी मेरी कंपनी शायद दिखा दे यार, आई गेस कि ये ऐसे नहीं दिखाएगा। ओके, अब देखते हैं इसकी कंपनी क्या है। तो गाइस इंटर की कंपनी है, आई गेस कि आप लोगों को पता होगा कि कोई इतनी अच्छी कंपनी नहीं है ये। या तो इंटर की कंपनी है गाइस, आपने देखा। और एक छोटा सा इसमें माइक लगा हुआ है, तो ये कभी कभी प्रॉब्लम करता है मुझे। और सबसे बढ़िया ये देखो कीबोर्ड है, बेसिक कीबोर्ड गाइस, कोई ऐसा नहीं है, आपके लोगों के घर में भी होगा ये। और ये बेसिक सा माउस, यानी ये भी डेल का है गाइस, 350 रुपये का माउस है, आप लोगों के घर में होगा ये। और एक छोटा सा पैड गाइस, बाकी गेमर्स के बड़ा, मेरे पास इतना बड़ा पैड नहीं है, ठीक है। और एक टेबल भी देख सकते हो गाइस, इतनी बड़ी टेबल नहीं है मेरे पास। और ये मैंने माइक के लिए बनाया था, पहले मैं जब मैं माइक लगाता था, नॉर्मल माइक था मेरे पास एक, तो उसके लिए था। तो अभी के लिए मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ गाइस, कभी कभी खेलता हूँ तो मैं एडजस्ट करके खेलता हूँ इसे। और ये सीपीयू गाइस, ऐसा लग रहा होगा जैसे एचसीएल को बहुत पुराना मॉडल देखा होगा आपने कभी, तो वही है। कैबिनेट कोई बड़ा नहीं है मेरे पास। और ये छोटा सा एक साउंड का लगा रखा है, जिससे मुझे इस वाले सस्ते से हेडफोन पे भी अच्छी क्वालिटी की वॉइस सुनाई देती है। तो ये रहा वो साउंड कार्ड जो कि 150 रुपये का है। और ये एलसीडी गाइस, ये एलसीडी मैंने बहुत पहले ली थी, तो ये एलसीडी ही यूज़ करता हूँ चैट के लिए गाइस। मैं अपना खुद का फ़ोन यूज़ करता हूँ, और टेबल जब मैं बैठ के खेलता हूँ तो गाइस ये रहा, मैं यहीं पर बैठ के खेलना पड़ता है मुझे, ऐसे आलती पालती मार के बैठ जाता हूँ, फिर यहाँ पर खेल रहे होते हैं। और गाइस यहाँ पर एक होल्डर दिख रहा है आपको, ये तो यहाँ पे जब भी कभी मेरे को वेबकैम लगाना होता है तो यहाँ पे मैं अपना वो लगा देता हूँ, जिसको कहते हैं बल्ब। ये मेरा पूरा पावर स्लॉट ऊपर लगा रखा है गाइस, तो तारे कुछ नहीं है, तारे यहाँ कोने में फंसी रहती हैं, तो इनको मैं ऐसे कर देता हूँ थोड़ा सा, और इसको लगा देता हूँ ऐसे, ठीक है। तो बस यही था गाइस मेरे पास अभी, और देखता हूँ कि कब मैं इस प्यारे से पीसी को अपग्रेड कर पाऊँगा और बाकी स्ट्रीमर्स की तरह। और इसमें मैं आपको क्या करता हूँ, अपना स्पेक्स वगैरह दिखा देता हूँ कि है क्या जो एक्चुअली में लोगों को जानना होता है। तो ये रहा मेरा स्पेक्स। तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं इधर से। ओके, आ गया। तो गाइज ये मेरे पास सीपीयू है, जिसका नाम आपको इधर दिख जाएगा, i5 सीपीयू है, थर्ड जनरेशन का सीपीयू है गाइज। तो ये थर्ड जनरेशन का सीपीयू है मेरे पास, प्रोसेसर है जो इतना खास नहीं होगा, आप बाकियों को देखोगे तो 7th 8th 9th जनरेशन का मिलेगा। रैम गाइस 6 GB है, जो कि क्या है वो दिखा देता हूँ, DDR3, जो कि बाकी जो DDR4 है उसके कंपेयर में लगभग 150% कम मिलेगी आपको। डिस्क ज़्यादा नहीं है, ये आप देख सकते हो डिस्क का भी नाम। तो ये 320 GB की हार्ड ड्राइव है, जिसको मैं आप दिखा देता हूँ पीसीज में से। या तो ये रही मेरी वो सी ड्राइव। ओके एंड गाइस, चैट पढ़ने के लिए मेरे पास कुछ होता नहीं है, और ये देख सकते हो। इसके बाद गाइस ये GT, तो एनवीडिया का GT 710, जो कि 750 Ti वगैरह सब भूल जाओ गाइस, बहुत कम है। मैं आपको दिखाता हूँ कि बाकी लोगों के पास जो पीसी है और मेरे पास जो पीसी है उसमें कितना डिफरेंस है। क्रोम खोल रहा हूँ गाइस मैं। ओके, तो मैं अपने इंटेक्स का फ़ोन है गाइस मेरे पास ये, तो इसकी क्वालिटी कुछ अच्छी आएगी। और ये ओपन हो रहा है। ओके, स्पेसिफिकेशंस, लुलपो जिसे कह सकते हैं, लुलपो पीसी। तो GT 710 को हम क्या करते हैं गाइस, कंपेयर करते हैं। ओके, GT 710 वर्सेस तो नॉर्मली GTX 1050 Ti आपको किसी के पास भी मिल जाएगा। ओके गाइस, तो इसी से करते हैं। लो गाइस, तो गाइस ये रहा, और मैं सीपीयू बेंचमार्क, यानी जो सबसे अच्छी वेबसाइट है उससे ही करके दिखा रहा हूँ।
तो ये गाइस ये इसकी वेबसाइट है, सबसे अच्छी रियल वेबसाइट है ये। तो गाइस ये देखो, ये रहा मेरा, राइट वाला मेरा है और लेफ्ट वाला बाकी गेमर्स का है। ये देखो भाई, 740, 750% का डिफरेंस है। ये देखो, और ये क्या कहता है कि स्पीड इतने हैं, इतने में से इतना मिला है, और इसको देखो गाइस 81, यानी 609 में लोगों में से 81 पे ही आएगा। और फ्रेम रेट देखते हैं गाइस, तो ये देखो फ्रेम रेट, तो ये 715। अगर मैं 13 पे, देखो गाइस मैं 13 पे खेलता हूँ, तो ये 119 पे खेलते हैं। यहाँ पे अगर ये 79 पे खेलते हैं, तो मैं कितने पे खेलता हूँ, 9 FPS पे। ऐसे रिस्पेक्टिव देखो, और इधर भी देखो गाइस, तो कितना बड़ा तो डिफरेंस मेरे को यहाँ मिल जाता है। तो जब भी मैं पिटता हूँ तो उसका ये सबसे बड़ा रीज़न हो गया। दूसरा गाइज ये देखो गाइज, ये तो पीक ओवर क्लॉक बेंच मार्क्स, तो कितना करते हैं ये देखो गाइज, 135 और 15, तो कितना बड़ा बड़ा डिफरेंस है। ऐसे ही मैं धीरे धीरे दिखा देता हूँ बस गाइज। तो ये रहा लास्ट डिफरेंस, तो ओवरऑल जो डिफरेंस आया वो आप देख सकते हो कि उनके पीसीज मेरे से 707 गुना ज़्यादा हैं, यानी मेरे जैसे 7 PC उनके पास हैं। प्रोसेसर दिखाते हैं गाइज आपको, प्रोसेसर तो गाइस चलो प्रोसेसर भी दिखाई देते हैं। तो गाइस ये मेरा जो, ये उन लोगों के पास जो प्रोसेसर होता है ना गाइस, तो सबसे बढ़िया लेते हैं कि i7 होता है किसी के पास, क्या होगा मैं दिखाता हूँ गाइस। तो i7 8700, तो गाइस ये प्रोसेसर किसी के पास होगा। तो मैंने एक स्ट्रीमर के पास देखा था, मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करूँगा ठीक है, ये उनके पास मिनिमम होता है। और मेरा क्या है, i5 3750, सिंपल सा प्रोसेसर, नहीं मिला इसे ठीक है कोई बात नहीं। i5 मेरा तो CPU नहीं मिल रहा है, इनको प्रोसेसर भी नहीं मिल रहा है गाइस। i5 3570 होगा गाइस ठीक है, तो यही है शायद मेरे पास ठीक है। तो गाइस ये देखो, इस प्रोसेसर और मेरे प्रोसेसर में खाली 5% का डिफरेंस है, और ले लो। तो गाइज उनके पास प्रोसेसर भी मुझसे ज़्यादा है। और गाइज इसमें जो ये देखो, ये वाला है मेरा, ये वाला हाँ मिल गया मुझे। तो ये गाइज देखो 44% ज़्यादा है, यानी लगभग 50% ज़्यादा है उनके पास, जो मेरे पास है उससे भी 50% ज़्यादा है एक बंदा स्ट्रीम करता है उसके पास। और बाकी 700% का डिफरेंस, तो 700 प्लस ये 50% मान लो, तो कितना हो गया, 800% का पूरा डिफरेंस। तो मेरे जैसे 8 PC वाला वो स्ट्रीमिंग PC चाहिए, और मैं सबसे बेकार, देखो गाइस मैं क्या यूज़ करता हूँ, OBS, एक बार दिखाता हूँ मैं, या तो गाइस मैं ये यूज़ करता हूँ अपनी स्ट्रीम के लिए। ओके बहुत मेहनत से सेटअप किया मैंने पूरा, ओके रन कर दियो, तो चलो इसको फुल कर देते हैं गाइस। तो सही गाइस देखो यहाँ पे क्या है, ये सीन्स है गाइस। तो मैं स्टार्टिंग में जब मैं स्टार्ट करता हूँ, तो ये वाला सीन आपको दिखता है कुछ, या ये वाला सीन दिखता है। देन उसके बाद जब मैं लाइव होता हूँ, तो मैं लाइव दबा देता हूँ, तो लाइव पर भी स्क्रीन नहीं आ रही है ठीक है। और जब मैं ब्रेक लेता हूँ गाइस, तो ये ब्रेक वाला आता है, बहुत कम आपको ब्रेक देखने को मिला होगा ठीक है। थैंक्स, जब मैं एंड करता हूँ तो ये भी देखने को, ये तो आपको मिल गया होगा देखने के लिए, बस इतना सही है गाइस मेरे पास। तो ये देखो कि जॉयजीत बासु ने जो मेरा,